एसएम कॉलेज भागलपुर में बुध के रोज तीन मुलाजमीन की अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर तबस्सुम परवीन की किताब इस्लामिक फाइनेंस का रस्म इजरा भी अमल में आया। इस्लामिक फाइनेंस क्या है? इस्लामिक फाइनेंस जो कि इस्लाम के कानून के आधार पर, इस्लामिक प्रिंसिपल के आधार पर जब उसका फाइनेंशियल सिस्टम चलने लगता है तो उसे हम इस्लामिक फाइनेंस या इस्लामिक बैंकिंग कहते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि यह इंटरेस्ट नहीं लेता है और ना इंटरेस्ट देता है। और इसका तीन यानी सेविंग है, सेविंग अकाउंट है। एक है आपका सेविंग अकाउंट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट और तीसरा है आपका ज़कात अकाउंट। जो ज़कात अकाउंट यहाँ पर जो मुस्लिम टीचर्स बैठी हैं वो जानती होंगी। तो इस आधार पर यह बैंक काम करता है। और यहाँ पर यह बैंक जितना भी पॉर्क प्रोडक्ट्स होते हैं, पॉर्क प्रोडक्ट्स और आपका जितना अल्कोहल है, तंबाकू है, यानी इस तरह के ट्रेडर को लोन नहीं देता, इस तरह के लोग को अपना अकाउंट होल्डर नहीं बनाता। यानी कहने का मतलब है कि यह सट्टेबाजी को रोकता है, जुएबाजी को रोकता है। डॉक्टर तबस्सुम इस्लामिक बैंकिंग की तारीख पर भी मुख्तसरन रोशनी डाली। और 1983 में मलेशिया में इस्लामिक बैंक स्थापित हुआ और 1975 में दुबई में स्थापित हुआ था। अगर कहा जाए तो 1963 में अहमद अल नजर ने इस्लामिक बैंक की स्थापना की थी। तो ये इस्लामिक बैंक कई बातों पर ध्यान देता है। पहला ये ध्यान देता है कि किस तरह से प्रॉफिट का शेयर, उसका एग्रीमेंट किस तरह से किया जाए, इस पर बल देता है। प्रॉफिट मार्जिन पर ध्यान देता है और पार्टनरशिप के आधार पर, यानी पूरी तरह से ये सोचता है कि रिस्क जो है वो मिनिमम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ही ज़्यादा इस्लामिक बैंकिंग का डेवलपमेंट होगा। तो इस्लामिक बैंकिंग वो बैंकिंग है जो कि पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और प्रॉफिट कमाकर अपने अकाउंट होल्डर्स के बीच इसका, इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। न्यूज़ द पैशन के लिए एसएम कॉलेज भागलपुर से गुहर आलम की रिपोर्ट।